good morning. I hope you all are well. Our previous lecture about weaknesses, I hope you enjoyed this lecture very well. In this video, we have three lectures, only one video. We include only one video. And the first lecture is unwise answer about the weaknesses. And second is wise explanation. And third is wise answer. So I think you enjoyed the session very enjoyfully. And today our topic is about strengths. So I hope you enjoyed the session very well. So firstly we start, what is the unwise answer regarding strength? So I would like to invite myself, please welcome. Thank you very much Angel, and really today topic is very nice. Mere khayal se Angel ne aapko English mein already bata diya bahut acche se ki bachcho hum aapko ek first part weaknesses de chuke hain aur weaknesses ka first part aapko bahut acha laga hoga. हमने आपको उसमें अनवाइज आंसर्स बताए थे, आज भी हम वही करेंगे. हम आपसे अनवाइज आंसर डिस्कस करेंगे जो अनवाइज लोग गलती कर देते हैं, यानी कि हम अनवाइज आंसर नहीं देंगे. हमने अपनी वीकनेसेस के अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था सेकंड के अंदर कि एक्सप्लेनेशन के अंदर कि पर्टिकुलर वो वीकनेसेस क्यों है. हमने उसी टॉपिक के अंदर वीकनेसेस में ही आपको वाइज आंसरिंग करी थी. बिल्कुल सेम केस हियर, हम यहां पर पहले आपको अनवाइज आंसर देंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अनवाइज क्यों है, उसके बाद हम आपसे वाइज आंसर्स के डिस्कशन करेंगे. मगर मेरी बात याद रखना स्टूडेंट्स कि अनवाइज आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वाइज आंसर्स को पढ़कर रिलीव हो जाते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि बहुत बार बातों बातों में वो अनवाइज गलतियां कर देते हैं. वो गलतियां ना करें इसलिए हमने इस टॉपिक को बाइफरकेट किया तीन सेक्शंस के अंदर. विद इन वन वीडियो हम आपको तीन सेक्शंस दिखाने वाले हैं. द फर्स्ट पार्ट अनवाइज, देखिए बहुत बड़ी गलती इंटरव्यूअर करता है. द फर्स्ट थिंग इज आई एम अ गुड ऑलराउंडर. तो स्टूडेंट्स कभी भी आप ये ना बोले That I'm a good all-rounder. देखो एंजल अगर हम बोल देते हैं so, I am a good all-rounder means मैं काम all-rounder, मैं हर काम में, मतलब मैं बैट्समैन भी हूं, मैं बॉलर भी हूं, मैं विकेट कीपर भी हूं और मैं अच्छी फील्डिंग भी कर लेता हूं. जब आप सब कुछ अपने आप को ऑलराउंडर करते हैं थोड़ा सा आदमी egoist सा शो होता है, राइट. इट डजंट लुक गुड दैट यू आर गुड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ. तो अच्छा इंडिकेशन आप नहीं दे रहे हो. नेक्स्ट इज आई नेवर हैड अ सिक इन माई लाइफ. तो इस तरीके की आंसरिंग आपको कभी भी नहीं करनी स्टूडेंट्स, ये बात रिकॉल करना आपने माई लाइफ के अंदर. हमेशा हार जीत देखो, अगर डे है तो नाइट भी होगी, नाइट है तो डे भी होगा. तो लाइफ के अंदर अप्स डाउन जरूर आता है और यही लाइफ का पार्ट है. अगर लाइफ ऐसे ना चले तो ये लाइफ ही नहीं है. आपने मूवीज में देखा होगा बहुत बार ऐसी लाइन आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आई एम सॉरी. तो मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ के अंदर आई एम सॉरी वर्ड आए, आपकी लाइफ हमेशा चलती रहे. ऑब्वियस है प्रॉस्पेरिटी और डूम्स दोनों आएंगे. चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं. थर्ड पॉइंट, आई नो हाउ टू फॉलो ऑर्डर्स. देखो बच्चों क्या होता है, बहुत बार क्या होता है हम अपनी गलती कर देते हैं इंटरव्यू के अंदर. हम इस तरीके की बात बोल देते हैं कि मुझे मालूम है ऑर्डर कैसे फॉलो अप कर रहे हैं. तो प्लीज ऐसी बात आप ना बोलिए. आप लर्नर बन के देखो, जो आदमी एक लर्नर बनकर सीखता है वो आदमी लाइफ में ज्यादा स्ट्रांग होता है. और अगर वो अपने आप को लर्नर शो करता है तो सामने वाले के अंदर ज्यादा इंप्रेशन डालता है, बजाय वो ये शो करे कि मुझे सब कुछ आता है, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं है. तो मेरा मानना है कि हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं. मेनी पीपल आर सेइंग वर्कहोलिक पर्सनालिटी. सर मैं एक वर्कहोलिक पर्सन हूं. देखिए स्टूडेंट्स ये गलत नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं ये रॉन्ग नहीं है, मगर फिर भी ये गलत क्यों है मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट दूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ जरूर ये बात शेयर करेंगे कि ये गलत क्यों है. इस समय मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत नहीं कह सकते इसको, हम इसको थोड़ा पार्शियली रॉन्ग कह सकते हैं. रीजन मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा. और वर्कहोलिक पर्सनालिटी का मतलब तो शायद आप समझ गए होंगे, मगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स ये एक इस तरीके की वीकनेस है, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, जो आप अगर ना अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है. क्यों, आई गिव यू रीजन, अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर जरूर इसको डिस्कस करेंगे. हमने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. आई नेवर एक्सेप्ट दैट आई एम बीटन. देखिए स्टूडेंट्स बहुत बार क्या होता है हम ऐसी गलती कर देते हैं, देखिए मैंने कभी हार नहीं मानी. तो देखो ऐसा नहीं हो सकता. मैं आपको फिर से बोलता हूं कि देखो कोई भी वार है, कोई भी चीज है, क्या कोई राजा सारी वार जीता, नहीं जीता, राइट. हम अपनी लाइफ के अंदर क्या सारी स्ट्रगल जिसके लिए हम करते हैं वो पाते हैं, नहीं होता. तो देखो लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, लाइफ में कुछ ये प्रोस है कुछ कोन्स है, तो ऐसे नहीं कि हर चीज आपके लिए एडवांटेजेस रहेगी, हमेशा कुछ डिसएडवांटेज मिलेगी. मैरिज और डिमैरिज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, क्योंकि हर कॉइन के दो साइड्स है, यू नो वेरी वेल. तो मेरे ख्याल से इस तरीके की लाइनिंग जब आप बोलते हो आई नेवर एक्सेप्ट दैट आई एम बीटन, तो आप ये वर्ड्स अवॉइड करेंगे एटलीस्ट आज के बाद. हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हम हार्ड वर्किंग पर्सन. सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं. और देखो स्टूडेंट्स आज के दौर में मैंने आपके साथ एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें मैंने तीन लाइफ बताई थी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की. हमने सेल्स के ऊपर एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने एक व्यक्ति को बताया था कि वो स्लीपिंग काउ है, यानी कि वो बहुत कुछ दे सकता है मगर वो सो रहा है, तो ऑब्वियस है वो यूजलेस है, राइट. हमने बताया था एक स्केयर्ड असेस है, डरा हुआ गधे की तरह काम कर रहा है, वो अच्छा वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इंसान जो डर के काम करेगा वो अच्छा काम. मगर तीसरी पर्सनालिटी मैंने आपसे डिस्कस करी थी गैलपिंग हॉर्सेस, वो टॉपिक आप जरूर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत पसंद आएगा. गैलपिंग हॉर्स जो हमको बनना चाहिए. सेम केस हियर, अगर आप अपने आप को हार्ड वर्किंग वर्ड यूज करते हो क्यों गलत है, आई विल टेल यू इन एक्सप्लेनेशन, वेट फॉर दैट.
हमारा अगर 7th पॉइंट में हम चलते हैं, वो पॉइंट बहुत अच्छा है, बोलने को लोग बोलते हैं, मगर परफेक्ट कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे हम परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी, प्लीज इसको अवॉइड करो। रीजंस डेफिनेटली हम लोग विद इन फ्यू सेकंड्स हम डिस्कस करते हैं। So I think it's the time to talk with you, all my viewers. Guys, we know very well, we have very fantastic books and I appreciate these books always. First book we know very well, first book is 70 Ways of Spoken, second book Universal Interview and Group Discussion, and third book for specially for MR. So if you feel weak in English, improve your communication skill, grammatical errors, so you should purchase this book. It's very beneficial and fruitful, all of you. Second books for those students who really wants to be crack a interview and any group discussion, so you should purchase this book. And third book, I know we know very well, third book especially for MA student, but it is available on only English, and the second book available both languages, Hindi and English also. आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप इन बुक्स को मंगवाएंगे। हमने अपना यूट्यूब जो नंबर है वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन में दे रखा है। सो आपको अगर वो बुक्स मंगवानी है तो आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम डेफिनेटली आपको वो बुक सेंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज, एक और बात मैं आपसे कन्वे करना चाहूंगा, दैट इज हमारी कम्युनिटी के अंदर हमने आपको इनवाइट किया है, आप 7 डेज के प्रोग्राम में यहाँ आ सकते हो। हम आपका फूड और अकोमोडेशन वुड बी फ्रॉम आर साइड ओनली, जस्ट यू हैव टू विजिट हियर एंड मेक यू प्रिपेयर द बेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लगता है आपको इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो और आपको हर्डल्स आ रही है तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको इन्वाइट करने के लिए तैयार है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को चेंज कर चुके हैं, दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स। स्टूडेंट्स बहुत सी बातें ऐसी रह गई है जो ऐसे एक्सप्लेनेशंस है, जरूरी है, मेरा मानना है कि अब हम उस एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं जिस तरीके से हमने अपने पार्ट वन के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वीकनेसेस पे, सेम केस हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ एक्सप्लेन करें बातें स्ट्रेंथ्स की। तो एंजल आर यू रेडी? यस सर। तो एंजल क्या लगता है आपको, देखिए पहला पॉइंट मैंने दिया नो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या है एंजल, क्वालिटीज, देखो ना। तो हम कभी भी स्टूडेंट्स अपनी एग्जैक्ट सिंगल क्वालिटी नहीं देंगे, यानी कि आज तक आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कॉन्फिडेंट पर्सन सर, आई एम डिटरमाइंड, आई एम डेडिकेटेड पर्सन। प्लीज स्टूडेंट सिंगल वर्डिंग बंद कर दो, नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड। अगर आप ये बोलते आ रहे हो तो गलत नहीं था, मगर अब जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिंगल एडजेक्टिव देना आप बंद करेंगे आज के बाद, क्योंकि अब जो सेकंड पॉइंट ला रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द पॉइंट इज फिल द गैप्स। देखिए अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है तो आप उसे फील करिए, अपनी जॉब से कोरिलेट करो। एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्रेंथ है मेकिंग फ्रेंड्स, मीटिंग न्यू पर्सन, अगर आपकी हॉबीज है और आपको लगता है सर मेरी स्ट्रेंथ है ना, मैं बहुत ज्यादा दोस्त बना सकता हूं, मैं एक फ्रेंडली किस्म का व्यक्ति हूं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, आप उसे कोरिलेट करिए अपनी जॉब के साथ। अगर आपकी जॉब मार्केटिंग लाइन के अंदर, अगर आपकी लाइन टीचिंग लाइन के अंदर है, तो अपने नॉलेज बेस्ड किसी बात को अटैच कर सकते हो, मगर आपको अटैचमेंट करना आना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को अपनी जॉब के साथ, क्योंकि इंप्लॉयर हमेशा ये चाहेगा कि आपके अंदर जो भी गुण है वो गुण आपके आपकी आपकी जॉब को कोरिलेट करे, और वो बेनिफिशियल पार्ट है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है इफ नो वर्क, अगर आपको कोई काम ही ना मिले, अगर नो वर्क यानी कि मीनिंग क्या हो गया कि काम ही नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपने कोई काम ही नहीं किया होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने ऑलरेडी वर्क लिख दिया है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपके पास कोई काम ही नहीं किया, आपने कोई वर्क ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, कर सकते हैं स्टूडेंट्स आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी हो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं, आपने कोई अपना ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाया हो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो, यानी कि कुल मिलाकर अपनी स्ट्रेंथ को सिंगल वर्डिंग्स नहीं रखेंगे, अपनी जॉब के साथ अटैच करेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस डालेंगे। आपके तो सर वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि मैं तो एक फ्रेशर व्यक्ति हूं, कोई बात नहीं, आपने स्कूल कॉलेज के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, ग्रुपिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, आप उसको कोरिलेट करो अपनी स्ट्रेंथ के साथ और आप बेनिफिट ले सकते हो और इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हो, रियल सिचुएशन बता सकते हो, इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज रिलेट योर क्वालिटी विद स्टोरी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हम जो गलती करते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ बताकर छोड़ देते हैं, मगर हम एक स्टोरी टाइप करें, एक ऐसी स्टोरी बनाएं जो हमारी स्ट्रेंथ को कोरिलेट कर रही है, अपने गुणों को इस तरीके से बात करें, इस तरीके से अपनी बात को व्याख्यान करें कि एक स्टोरी टाइप लगे, ऐसा लगे कि ओरिजिनलिटी, आप पहली बार ये बात बोलने जा रहे हो, ऐसा झलकने दो इंटरव्यूअर को, ही विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस फ्रॉम यू। तो एक स्टोरी मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, मगर वो एग्जैक्ट एक्यूरेट थोड़ा सा कुछ सच्चाई लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पावर होनी चाहिए, यू शुड हैव द पावर ऑफ मैनिपुलेशन। देखिए मैनिपुलेशन वर्ड बहुत जरूरी है आज के दौर में, आपको बात को वे जो मैंने आपको सर्कुलेशन वर्ड सिखाया था, द सेम केस हियर, आपके अंदर एक डिप्लोमेसी वे होना चाहिए बात को अंदाज में कहने का, अगर आपके अंदर वे है आप डेफिनेटली किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हो। चलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डोंट बी टिपिकल। देखिए स्टूडेंट्स
टिपिकल को हमने इतनी बार यूज कर लिया कि टिपिकल वर्ड सुनते ही हमें इसका मीनिंग लगता है कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ अनूठा। गलत नहीं है क्योंकि बात ही इतनी बार हो चुकी है, मगर आप एग्जैक्ट मीनिंग जब इसका देखोगे इट मींस कॉमन, जो आपको बड़ा शॉक कर देगा। क्या वाकई में सर सही कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहा हूं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टिपिकल नहीं रहना, आपको डिफरेंट बनकर चलना है। दुनिया जो कर रही है उस ट्रैक को चेंज कर दो। दुनिया क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप अगर किसी से पूछेंगे आप किस फ्रेंड्स के हैं, आप बोलेंगे आई एम डिटरमाइंड गर्ल, आई एम कॉन्फिडेंट गर्ल, और आप चुप हो जाएंगे। अगर आप कोरिलेट नहीं कर सकते, अगर आप एक्सैक्ट स्टोरी नहीं बना सकते, अगर आप सिर्फ एडजेक्टिव दोगे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा एट ऑल। तो आपके अंदर गट्स होने चाहिए टिपिकल ना बनने के, यानी कि यू शुड बी आर्टिपिकल। तो आपके पास एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो डिफरेंस क्रिएट करे अपने आपकी पर्सनैलिटी को। चलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज टेल व्हाट यू रियली आर। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बार क्या होगा कि हम बहुत बार ऐसी स्ट्रेंथ लोगों से सुन लेते हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ बोल देते हैं सिर्फ लोगों से सुनकर, मगर हमारी आंखों में वो स्ट्रेंथ झलकती नहीं है तो वो इंप्रेशन नहीं देगी। देखिए अगर आपके अंदर कोई अच्छी स्ट्रेंथ है तो वो आपके आईज में झलकनी भी चाहिए, यानी कि अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है और आप चाहते हो वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आए तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कीजिए। जब आपको लगने लगे मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ आ गई है तभी उससे आप बोलिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट बहुत ट्रिकी व्यक्ति है। देखिए वो साइकोलॉजिस्ट भी अपने इंटरव्यू के दौरान बिठाते हैं और बहुत से लोग तो लोगों से मिल मिलकर साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो जब आप झूठ बोलेंगे तो आप एकदम से पकड़े जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि अभी तक हमने जो एक्सप्लेनेशन दी आपको वो आपको अच्छी लगी है। हम अपने नेक्स्ट चीज के अंदर अब जो आपको देने वाले हैं दैट इज wise answers, जिसके लिए आप ready हो, so get ready for it. So let us come back and see with examples of strengths. देखिए बहुत अच्छे examples हम आपके लिए लेकर आए students. अगर आप उन examples को देखेंगे, अगर आप उन्हें use करते हैं, तो आपको बेहतरीन answers मिल सकते हैं. देखिए during an interviews, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ है बताने के लिए और अगर आपको लगता है सर ये स्ट्रेंथ हम बताएं तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, मगर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो बात ये स्टूडेंट्स की, देखिए आपको वो स्ट्रेंथ चुननी है जो आप में सच में है, आपको हर कोई वो नहीं चुननी जो आपको अच्छी लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपनी पहली स्ट्रेंथ पे चलते हैं, दैट इज आई एम अ क्विक लर्नर एंड हैव एन इंटरेस्ट आई फॉर डिटेल्स। देखिए क्या लगता है अगर हम बोले कि मैं एक अच्छा लर्नर हूं सर और क्विक लर्नर हूं और मैं हमेशा आई रखता हूँ, जैसे अर्जुन अपनी आंख अपनी डिटेल्स पे रखता था, जैसे अर्जुन बर्ड पे रखता की आई में रखता था, वैसे ही अगर मैं आई रखता हूँ वो डिटेल्स के अंदर तो अच्छे इंप्रेशन देगा क्या? ऑब्वियसली। तो आपने क्या किया उसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया और उसको एक्सप्लेन किया बात को, तो ही विल डेफिनेटली गेट अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट इज Oh, yes, you can. I hope with my viewers. I you hope can. You enjoy this video very much. And first of all, for those students, very thanks a bunch who subscribe our channel. And for those students who don't subscribe our channel, so first of all, subscribe our channel because your subscription motivates us for making new videos. And if you have any query and question regarding this video, so please comment us. And please don't forget like us. So continue. So students, ये जरूरी था क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है लास्ट में बच्चे नहीं देखते उस वीडियोस को, तो हमारी रिक्वेस्ट है, इसीलिए शायद एंजल का माइंड चला कि बीच में आकर हम आपसे रिक्वेस्ट करें सक्सेशंस के लिए। स्टूडेंट्स एक और बात मुझे मोटिवेट करती है, वो करती है आपके कमेंट्स। देखिए अगर आपको लाइफ में या आपसे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, देखिए हम हर बच्चे को इन्वाइट करते हैं यहाँ पर तैयारी के लिए, आप आ सकते हो वन वीक के लिए, मगर हर बच्चा नहीं आ सकता ये बात भी हमें मालूम है, हर बच्चा हमारी बुक भी नहीं मंगवाता, बहुत से बच्चे जो वीडियो से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स के अंदर कोई क्वेश्चन लिखना हो तो आप जरूर लिखा करें, वो बात भी हमें पर्टिकुलर मोटिवेट करती है। आई और मैडम विल डेफिनेटली पर्टिकुलर राइट अ गुड कमेंट आंसरिंग फॉर यू। आपको ये बात तो मालूम चल गई होगी कि हम आपके कमेंट्स की आंसरिंग जरूर करते हैं, आपको ये बात अच्छी लग रही होगी। और मेरे ख्याल से जिस भी बच्चे ने, हम अभी तक हजारों बुक्स भेज चुके हैं, किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि सर मैंने अमाउंट दिया तो मेरे को बुक नहीं मिली, मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उसको पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जो भी चीज भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहे हैं और वो ट्रैकर भी देते हैं ताकि आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि एक ऑथेंटिकेटेड वे में हम भेज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई बच्चे को ये भी शिकायत नहीं होगी कि सर मुझे बुक नहीं मिली या कुछ भी है। देखिए हम पैसा जरूर एडवांस ले रहे हैं पेटीएम वगैरह के थ्रू, मगर आपको जो बुक्स है सर्विस है वो भी बहुत अच्छी दे रही है। चलिए वापस आइए, लेट अस सी विद द सेकंड पॉइंट, दैट इज आई हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल स्किल्स व्हिच हैव ऑफन हेल्प्ड मी टू लीड कंपनी प्रोजेक्ट्स। देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स बोल के आदमी चुप हो सकता था, मगर उसने क्या किया, उसको कोरिलेट किया अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि सर मेरे अंदर ये बात है और इसकी वजह से मैंने बहुत से कंपनी प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट किया और बहुत से फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आया, ये देखिए उनकी डिटेल। तो आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एलैबोरेट किया, स्टोरी मेकिंग किया, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा था उसी से ही कोरिलेट है ये सारे आंसर्स। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यानी कि इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, उसको मत अवॉइड करिए, एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूर देखिया करें। इससे पहले जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट दैट वाज ऑन वीकनेसेस, वो भी प्लीज आप जरूर देखना, क्योंकि अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना और उनको बेहतरीन ढंग से बताना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स।
चलिए हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आई लाइक पीपल एंड गेट ऑन वेल विद देम, आई एम अ टीम पर्सन और टीम स्पिरिट पर्सन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। सर मैं सारा श्रेय खुद नहीं कतरता, मिल बांटकर खाने में विश्वास रखता हूं। जब आप इस तरीके की वर्डिंग यूज करते हो और थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर देते हो, इट लुक्स बेटर रेदर देन स्पीकिंग आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, दिस लुक्स मोर बेटर। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई वाज अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग कॉलेज कॉम्पिटिशन। ये मेरे कुछ सर अवार्ड अचीवमेंट्स हैं जहां पर मैं बोला था और मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह विन किए थे। मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं सर। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को विद ऑथेंटिकेशन शो करोगे, ऑब्वियसली इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा, राइट? जैसे मेरे ख्याल से आपने ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीता था, आपको एक टाइटल मिला था, आपको ध्यान है वो टाइटल आपका क्या था? मिस क्यूट गर्ल, डेफिनेटली। अब आप किसी जगह पर जाते हैं, मान लीजिए आप ये दोस्तों से आप किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां पर आप ऑथेंटिकेशन के साथ दिखा रहे हो, सर आई हैव आल्सो डन अ ब्यूटीशियन कोर्स एंड मोर ओवर आई गॉट दिस पर्टिकुलर टाइटल, दिस इज माय अवार्ड। जब आप अपनी बात को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, डेफिनेटली इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज योर स्पीच। सर आई एम गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सर समय को कैसे मैनेज करना है ये स्किल्स मुझे बेहतरीन ढंग से पता है। इसको एलैबोरेट कीजिए, एक लाइन ना बोलिए, ये बात फिर से ध्यान रखिए, एडजेक्टिव्स में स्ट्रेस कभी ना दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज माय कस्टमर सर्विस इज एक्सीलेंट। सर ड्यूरिंग दिस वर्किंग जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कुछ इंटरव्यू चल रहा है उसके अंदर अगर आप बोलते हो सर ड्यूरिंग माय पर्टिकुलर इंटरव्यू आई आंसर्ड दिस थिंग दैट आई एम हैविंग गुड कस्टमर सर्विस, नहीं इतना नहीं चलेगा। आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि सर ये चीज हुई थी और मैंने ऐसा कर दिखाया। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट कर दोगे आपकी स्ट्रेंथ वाकई में स्ट्रेंथ लगेगी और ये बात आपके अंदर झलकनी चाहिए कि ये स्ट्रेंथ आपकी है और ये आपने कहीं बनाई नहीं है, ये आपकी खुद की है और यही स्ट्रेंथ आप बता रहे हो। देखिए मैं यहां पर दो वर्ड लेकर आया हूं, स्ट्रेंथ वन इज जोवियल वर्सेटाइल। प्लीज इसको एडजेक्टिव के रूप में मत बता देना आई एम अ जोवियल पर्सन। सर मैं एक प्रसन्नचित व्यक्ति हूं, मैं एक वर्सेटाइल पर्सन हूं, हर माहौल में एडजस्ट होता हूं। प्लीज ऐसा ना बोलिए, फिर से एलैबोरेट कीजिए, फिर से स्टोरी बनाइए, फिर से मैनिपुलेट करिए, फिर से एक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोरिलेट करिए अपनी स्ट्रेंथ को अपनी जॉब के साथ, आप देखिए मिरेकल विल हैपन, इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होगा आपसे। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये सेवन एग्जांपल्स अगर आप हाईलाइट करते हो ड्यूरिंग योर स्ट्रेंथ आप एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर को दे दोगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। स्टूडेंट्स मेरे ये दो पार्ट आपको कैसे लगे? इसका जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज वीकनेसेस और ये हमने जो बनाया था जो दैट इज द सेकंड पार्ट दैट इज स्ट्रेंथ। अगर आपको ये पार्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए, देखिए मेरे जो व्यूअर्स है आप मेरे 3 महीने पहले के व्यूअर्स देखिए, 3 महीने पहले के मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए और 2 महीने 1 महीने से कोरिलेट करिए कि कितनी तेजी से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। उसका ये बात तो हम श्योर है कि हमें देखने वाले बच्चे हमें अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं आइदर मी और मैडम विल डेफिनेटली आंसर यू और मेरे ख्याल से ये साइन है उस चीज का कि हम आपके साथ फ्लरिश कर रहे हैं मगर आपका हाथ हमें चाहिए। सो आर यू रेडी टू शेक हैंड विद अस? डेफिनेटली यू विल शेक हैंड। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लाइफ।